बुलंदशहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था पुरुषोत्तम। पेशे से वो एक किसान था और उसके तीन बेटे थे जिनका नाम अजय, विजय और सुजय था। लेकिन तीनों के तीनों निकम्मे और बेहद ही नालायक थे। तीनों कुछ काम धाम नहीं करते थे और दिन भर घर पे पड़े रहते थे और सोते रहते थे। ये देखकर पुरुषोत्तम ने एक दिन अपने तीनों बेटों को बुलाया और अरे सुनो बेटा, अजय, विजय और सुजय, जरा यहाँ आओ मेरे पास। जी पिताजी, कहिए आपने क्यों बुलाया? मेरे प्यारो बच्चों, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। इससे पहले कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मैं तुम तीनों को एक बात बताना चाहता हूँ। जी पिताजी, कहिए आप क्या बताना चाहते हैं? देखो बेटा, मेरे पिताजी यानी कि तुम्हारे दादाजी गांव के बहुत अमीर आदमी थे। उनके पास काफी जमीन थी, कई लोग उनके पास नौकर जाकर थे, लेकिन वक्त से हम बहुत गरीब हो गए और हम यहाँ आ गए। वो तो ठीक है पिताजी, हमें ये सब मालूम है, असल बात बताइए ना। हाँ बेटा हाँ। तो जब हम इस गांव में आए, उस वक्त मेरे पिताजी ने उनके पास जितना भी रुपया था उसे सोने के सिक्कों में बदल लिया और हमारे ही खेत में कहीं दफन कर दिया, क्योंकि उस वक्त चोरों का सिलसिला बहुत ज्यादा था। लेकिन बेटा, वो सोना ना मैं खोज सका ना कोई और, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कब इस दुनिया से निकल जाऊँ। इससे पहले ये राज तुम तीनों को बता दूँ और मरने से पहले चारों धाम की यात्रा कर लूँ। एक बात ध्यान में रखो बेटा, अगर 3 दिन के बाद अगर सोना नहीं निकला तो ये गेहूं के दाने खेत में डाल देना, फिर 3 महीने के बाद फिर से खुदाई करना, देखते रहना बीच बीच में जाकर कि कहीं सोना ऊपर तो नहीं आया। ये बात बताकर पुरुषोत्तम जी दूसरे ही दिन यात्रा पे निकल जाते हैं। इधर तीनों बेटे खेत में जाते हैं। देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए मैं जैसा कहूंगा वैसा ही दोनों ने करना है, ठीक है? ठीक है भाई, जैसा तुम कहोगे। देखो, हम तीन लोग हैं, हम तीनों खेत के अलग अलग हिस्से में खुदाई करेंगे और फिर जिसे जिसे सोना मिलेगा वो एक जगह इकट्ठा करके उसके बराबर हिस्से करेंगे, ठीक है? ठीक है भैया, आपने सही कहा। तो ठीक है, विजय तुम खेत में पूरब में खुदाई करो और सुजय तुम खेत में पश्चिम में खुदाई करो। और भैया, आप कहाँ खुदाई करोगे? मैं यहाँ बीच में से खुदाई करूंगा ताकि तुम दोनों पे ध्यान रख सकूं और तुम्हें अच्छे से मार्गदर्शन कर सकूं। ठीक है भैया। तीनों भाई बड़ी मेहनत से खुदाई करते हैं। पहला दिन जाता है, दूसरा दिन जाता है और तीसरा भी दिन जाता है। फिर रात को घर में सब बातें करते हैं। अरे भाई, हम तीनों इतने दिनों से खेत में खुदाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी तो नहीं मिला अभी तक। कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया था और उसने हमारे आने से पहले ही आके पूरा सोना निकाल लिया होगा। अरे नहीं नहीं सुजय, ये बात बाबूजी के सिवा किसी को भी पता नहीं है, इसलिए आखिर वक्त में बाबूजी ने ये बात सिर्फ हमको बताया। और क्यों नहीं बताएगा, हम तीनों बेटे जो है उनके। हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक कहा आपने। और भूल गए, पिताजी ने क्या कहा था कि अगर 3 दिन के बाद भी सोना नहीं निकला तो ये गेहूं के दाने खेत में डालना है और फिर 3 महीने के बाद फिर से खुदाई करना है। अरे हाँ बड़े भैया, हम तो दोनों ये बात भूल ही गए थे। अच्छा हुआ आपने ये बात याद रखी। तो फिर कल से हम खेत में जाके खुदाई करके गेहूं के दाने वहां डाल देंगे। ठीक कहा भैया। अगले दिन तीनों भाई फिर से खेत में जाते हैं, अच्छे से खुदाई करते हैं और अंत में गेहूं के दाने डाल देते हैं। फिर तीनों भाई इसी बीच जाकर देखते रहते हैं कि सोना कहीं ऊपर तो नहीं आया।
लेकिन मायूस होकर घर लौटते थे। फिर 3 महीने के बाद उनके पिताजी पुरुषोत्तम जी यात्रा से वापस आते हैं। तीनों बेटे पिताजी के पास जाते हैं। अरे पिताजी, अब आ गए? ये आपने क्या किया पिताजी? क्या हुआ अजय बेटा, क्यों इतने परेशान हो? पिताजी, आपने कहा था कि खेत में खुदाई करो, सोना ऊपर आएगा। हमने किया लेकिन नहीं आया। और जैसा कि आपने ही कहा था, अगर नहीं मिला तो गेहूं के दाने डालो और 3 महीने के बीच बीच में जाकर देखना। वो भी किया, फिर भी सोना नहीं आया। कौन कहता है बेटा कि सोना नहीं आया? पिताजी, हम सही कह रहे हैं, सोना नहीं आया, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। चलो मेरे साथ खेत में। तीनों भाई पुरुषोत्तम के साथ खेत में जाते हैं। देखिए पिताजी, सुजय ने पश्चिम में और विजय ने पूरब में खुदाई की और मैंने बीच में खुदाई की, लेकिन कोई सोना नहीं निकला। ऊपर से ये घास इतना बढ़ गए। अरे बेटा, ऐसे कैसे नहीं निकला सोना? और ये कोई घास नहीं है, यही तो है सोना, असली सोना। क्या क्या कहा पिताजी? भला ये हरी भरी घास सोना कैसे हो सकता है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, दरअसल यहाँ पे कोई सोना गड़ा नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर सोना नहीं निकला तो गेहूं के दाने डालकर बीच बीच में देखते रहना, है कि नहीं? जी पिताजी। तो बेटा, ये जो हरी भरी घास है, ये वही गेहूं है जो तुमने 3 महीने पहले बोया था, और आज इतने महीनों के बाद ये उग आया है और खेत में लहरा रहा है। यही तो है बेटा असली सोना। लेकिन ये सोना कैसा हो सकता है पिताजी? अरे बेटा, इसे बाजार में बेचोगे तो बहुत रुपए मिलेंगे और तुम्हें कई कारखाने ठेके भी देंगे। तो बताओ, समझ आई कि नहीं बात? जी पिताजी, अब बात समझ आई हम सबको। आपने हमें सोने का लालच दिलावा कर खेती का हजामत कराई और अंत में गेहूं की बुआई भी करवाई, जिसका फल हमें इस गेहूं में मिला। तो समझ गए ना बेटा, मेहनत का फल ही सोने के जैसा मिलता है, इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। जी पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, जब आप हमें समझा रहे थे तब हमने एक बात भी ना मानी, लेकिन आप हम समझ गए। और फिर उसके बाद से पुरुषोत्तम जी और उनके तीनों बेटे खेत में काम करने लगे और हर साल मेहनत करके अच्छा पैसा कमाने लगे। एक गांव में कचौरी वाला वीरेश रहता था। वो गली में कचौरी का ठेला चलाते हुए अपने परिवार का पोषण करता था। ऐसे ही थोड़ी दूर में एक पेड़ के नीचे रहा एक स्वामी जी भी, जिसकी वीरेश सेवा करता था। वीरेश की बनाई हुई कचौरी स्वामी जी को बहुत पसंद थी। स्वामी जी, ये लीजिए, आपके लिए विशेष कचौरी तैयार करके लाया हूँ, गरम गरम है। बात खुशी हुई, अभी आया क्या वीरेश? हाँ, तुमने बनाई है कचौरी तो बहुत स्वादिष्ट होगी। ठंडा मौसम है, उस पर से गरम गरम कचौरी, इसकी खुशी अलग होती है। आपकी दया है स्वामी जी, और कुछ चाहिए क्या? मुझे भी जाना है। अरे मेरा पेट भर गया, और कुछ नहीं चाहिए, तुम जाके अपना काम देखो। ठीक है स्वामी जी, मैं जा रहा हूँ, शाम को फिर आऊंगा। वीरेश वहां से अपनी टोली के पास आता है। इतने में ही गांव वाला रघुनाथ कचौड़ी लेने आता है। वीरेश, 50 रुपए की कचौड़ी देना, गरम गरम है क्या? हाँ, अभी तैयार की है, गरम गरम ही है, ये लीजिए। ठीक है, इधर दो, ये लो पैसे। और वीरेश, तुमने स्वामी जी को पहले कचौड़ी क्यों दी? अरे इसके पहले दे के आया, पहली कचौड़ी स्वामी जी को देता हूँ, उसके बाद ही बेचता हूँ। वीरेश अपना बिजनेस करता रहता है और कुछ टाइम बाद वो बीमार हो गया, जिस वजह से कचौड़ी तैयार नहीं कर सका। क्या हुआ रघुनाथ, वीरेश कचौड़ी तैयार नहीं कर रहा है, इस ओर नहीं आ रहा है? स्वामी जी, वीरेश बीमार है, इसीलिए कचौड़ी तैयार नहीं कर रहा है। ओहो, ऐसा क्या? ठीक है,
मैं स्वयं जाकर उससे बात करके आऊंगा। स्वामी जी वीरेश के पास जाकर कहते हैं, वीरेश कैसे हो, कचौरी तैयार नहीं कर रहे क्या? स्वामी जी आप, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, इसलिए कचौरी तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पत्नी बच्चों का पोषण कैसे करना है पता ही नहीं चल रहा है। तुम फिक्र मत करो वीरेश, ये लो, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, आपसे तुम कष्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक महिमा तवा दे रहा हूँ, लो इसमें मुट्ठी भर आटा डालते रहना, तवा भर कर कचौरी तैयार हो जाएंगी, घर में ही तैयार करके बाद में बेच लो। बहुत खुश हुआ स्वामी जी, मैं आपका जीवन भर के लिए ऋणी हूँ। ठीक है मैं निकलता हूँ, तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, फिर कब आऊंगा पता नहीं। तब से वीरेश घर में ही कचौरी तैयार करके बाहर लाकर बेचने लगा। वर्ष बीतते जा रहे थे, पैसे कमा रहा था, उसकी तबीयत भी ठीक हो गई थी, कामकाज वालों से बड़ी दुकान चलने लगी थी। इसी क्रम में स्वामी जी वापस आते हैं। अरे बाबू, यहाँ एक कचौड़ी का ठेला रहता था, वो अब नहीं रहा क्या? उस ठेले को चलाने वाले वीरेश जी इस दुकान को चला रहे हैं स्वामी जी। एक बार वीरेश को बुला सकते हो क्या? क्यों बाबू, ये काम करना छोड़कर उस बूढ़े से क्या बात कर रहे हो? नहीं जी, कोई स्वामी जी। ओहो स्वामी जी, वही रहने के लिए कहो, मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए वीरेश अंदर से बाहर आता है। वीरेश कैसे हो, भूख लग रही है, कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ की कचौरी नहीं खाई। तो वीरेश अपने मन में कहता है, गंदी दाढ़ी गंदे कपड़े पहनकर बूढ़े को बिठाने से ये सब लोग चले जाएंगे। बाप रे, ये स्वामी को कोई बात से टरका कर यहाँ से भेज देना चाहिए। स्वामी जी आप थोड़ी देर यहीं रहिए, नहीं पेड़ के नीचे ठहरिए, आप दुकान में बहुत लोग हैं, वो सब खा पी कर जाने पर आपको उस कर्मचारी के हाथों भिजवा दूंगा कचौरी। क्या वीरेश, मेरा ही अपमान करते हो, पैसों की माया में पड़कर तुम्हारी आंखें सिकुड़ गई क्या? ये कहते हुए स्वामी वहां से चला जाता है। इतने में कर्मचारी वीरेश के पास आकर कहता है, बाबूजी चूल्हे पर रखा तवा गायब हो गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब कचौड़ी कैसे बनाई जाए? क्या चूल्हे का तवा कैसे गायब हो गया, देखो ढूंढो। नहीं, मैंने उसमें आटा डाला और वो गायब हो गया। तुरंत वीरेश सोच में पड़ता है, उसे याद आता है कि वो तवा स्वामी जी का दिया वरदान है। अफ, कितना गलत किया, मैं घमंडी हो गया था, स्वामी जी का अपमान किया, इसलिए वो तवा गायब हो गया है, अब क्या करूं, स्वामी जी जा रहे हैं, जाकर माफी मांग लेता हूं। तुरंत भागते हुए वो स्वामी जी के पास जाकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी, मैंने पैसों की कमाई में पड़कर ऊंच नीच भूल गया था, आपको अपमानित किया। वीरेश हम कितना भी कमाएं, हमें घमंडी नहीं रहना चाहिए। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी जी, आपसे मैं पुराना वीरेश जैसा ही समय बिताऊंगा, स्वयं मेहनत से कचौरी तैयार करूंगा। ये कहते हुए वहां से जाकर स्वयं कचौरी तैयार करके जीवन यापन करने लगता है।